हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रमोद आप सभी का स्वागत करता हूँ लैटेक्स के इस कोर्स में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मल्टीपल कॉलम डॉक्यूमेंट किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। जब भी लैटेक्स डॉक्यूमेंट में आप बिगिन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट के बाद जो भी टेक्स्ट लिखते हो, बाय डिफॉल्ट वो टेक्स्ट आपका सिंगल कॉलम में आता है। तो चलो करके देखते हैं और उसके बाद में उस सिंगल कॉलम टेक्स्ट को मल्टीपल कॉलम टेक्स्ट में किस तरह से कन्वर्ट करना है ये भी हम देखेंगे। मेरे पास एक डॉक्यूमेंट पीडीएफ मैंने ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो इस डॉक्यूमेंट में आपका जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट आपका दो कॉलम में डिवाइड हो चुका है। तो इस तरह की रिक्वायरमेंट आपको किसी जर्नल पेपर्स में पड़ सकती है, या अगर आप कोई बुक फॉर्मेट कर रहे हो जो दो कॉलम के फॉर्मेट में है, तो ऐसे रिक्वायरमेंट के लिए आपका डॉक्यूमेंट टू कॉलम फॉर्मेट में या थ्री कॉलम या मल्टीपल कॉलम फॉर्मेट में बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये मल्टीपल कॉलम फॉर्मेट में आपका टेक्स्ट किस तरह से अरेंज करना है, किस तरह से इस तरह की फॉर्मेटिंग करना है, वो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं टेक्स्ट स्टूडियो में। यहाँ पे मैं कोई भी एक रैंडमली एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। इस नई फाइल में मैं एक कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेता हूँ बाय यूजिंग द क्विक स्टार्ट। ठीक है, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। पैरामीटर्स ऑलरेडी मैंने सेट करके रखे हुए हैं, इसको मैं ओपन कर देता हूँ। अभी इस बिगिन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट के बीच में जो भी मैं टाइप करूँगा या कॉपी पेस्ट करूँगा, वो सारा का सारा टेक्स्ट मेरे पास सिंगल कॉलम फॉर्मेट में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल चलो करके देखते हैं। तो उसके लिए मैं कोई भी एक डमी टेक्स्ट ले लेता हूँ। मैं डमी टेक्स्ट के लिए lipsum.com की वेबसाइट यूज़ करता हूँ। तो मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट, थोड़ा बड़ा टेक्स्ट लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे मैं आपका बिगिन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट के बीच में मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। और जब मैं इसको पेस्ट करूंगा और जब मैं इसे बिल्ड एंड व्यू करूंगा, तो आप देखेंगे कि ये जो टेक्स्ट है, ये मेरा टेक्स्ट दो कॉलम फॉर्मेट में अरेंज हो जाएगा। सॉरी, हमने अभी कोई भी मल्टी लेवल कॉलम की फॉर्मेटिंग नहीं किया है। तो बाय डिफॉल्ट ये जो है हमारे पास पूरा का पूरा टेक्स्ट जो है, वो पूरा का पूरा टेक्स्ट मेरे पास सिंगल कॉलम फॉर्मेट में आ चुका है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। तो देखिए, ये पूरा पीडीएफ डॉक्यूमेंट जो है एक सिंगल फॉर्मेट में आपका आ चुका है। ठीक है, लेकिन ये टेक्स्ट मुझे टू कॉलम फॉर्मेट में अगर चाहिए, तो टू कॉलम फॉर्मेट में या थ्री कॉलम फॉर्मेट में अगर आपको चाहिए, तो क्या मॉडिफिकेशन आपको करना है, तो ये मैं आप लोगों को अभी यहाँ पे बता देता हूँ। तो जब आपको मल्टीपल कॉलम डॉक्यूमेंट आपको बनाना है, तो आपको एक पैकेज यूज़ करना पड़ेगा, और पैकेज हम इंक्लूड करते हैं प्रीएम्बल में। तो बिगिन डॉक्यूमेंट के पहले जो भी पोर्शन है उसको बोलते हैं प्रीएम्बल। इस प्रीएम्बल में आपको एक कमांड यूज़ करना है, और ये कमांड है हमारे पास यूज़ पैकेज, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर में आपको लिखना है मल्टी कॉल। देखिए, मल्टी अगर मैंने लिखा है तो यहाँ पे मल्टी कॉल सजेशन आ चुका है, तो मल्टी कॉल डॉक्यूमेंट। तो मल्टीपल कॉलम डॉक्यूमेंट के लिए आपका पैकेज, यू कैन इजीली रिमेम्बर, आप बहुत ही आसानी से इसको याद रख सकते हैं, मल्टीपल कॉलम। तो मल्टीपल का मल्टी और कॉलम का कॉल अगर आप लेते हो, तो मल्टी कॉल एनवायरमेंट आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ये मल्टी कॉल पैकेज यूज़ करने के बाद अभी इस टेक्स्ट को मुझे अरेंज करना है टू कॉलम में या थ्री कॉलम में। तो क्या कर दूंगा मैं यहाँ पे एक कमांड या एनवायरमेंट यूज़ करूँगा। ये एनवायरमेंट कौन सा रहेगा, बिगिन मल्टी कॉल्स। देखिए, मैं MUB अगर लिख दिया तो यहाँ पे सजेशन आ गया है, तो मुझे यूज़ करना है बिगिन मल्टी कॉल्स और एक कर्ली ब्रेसेस और एक एक्स्ट्रा आ गया है, बिगिन मल्टी कॉल्स एंड मल्टी कॉल्स। तो मल्टीपल कॉलम डॉक्यूमेंट के लिए ये आपको यूज़ करना है एनवायरमेंट कौन सा, मल्टी कॉल्स एनवायरमेंट। और इस मल्टी कॉल एनवायरमेंट के साथ एक एक्स्ट्रा पैरामीटर आया हुआ है आपका N। अब ये N यानी क्या, अगर आपको सिंगल कॉलम में अगर डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप N की वैल्यू 1 रख सकते हो, बाय डिफॉल्ट 1 कॉलम रहता ही है, तो इसमें N की वैल्यू 1 रखना यानी मूर्ख बना करना है, तो ये हम यूज़ नहीं करेंगे। टू कॉलम फॉर्मेट में अगर चाहिए तो N की वैल्यू आपको 2 रख देनी है। और ये जो टेक्स्ट है आपका, जो भी टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट आपको बिगिन
मल्टीकॉल और एंड मल्टीकॉल के बीच में इसको मैं कट करके यहाँ पे मैं इस कंटेंट की जगह इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, राइट। मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। तो देखिए बिगिन मल्टीकॉल्स और एंड मल्टीकॉल्स के बीच में मैंने आपका टेक्स्ट पेस्ट कर दिया है। और ये टू यानी क्या, टू कॉलम अगर चाहिए आपको, मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ। ये कमांड देखिए किस तरह से, बिगिन मल्टीकॉल्स और दूसरे कर्ली ब्रेसेस में टू, और ये बिगिन मल्टीकॉल्स किया इसका मतलब इसका एंड मल्टीकॉल्स भी रहना चाहिए, ध्यान में रखिए, ठीक है। तो इसको अगर मैंने टू रखा तो आपका डॉक्यूमेंट जो है टू कॉलम फॉर्मेट में आ जाएगा। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। फिर से मैं बिल्ड एंड व्यू में जाता हूँ, और बिल्ड एंड व्यू में जाने के बाद ये प्रोसेस एक्साइटेड नॉर्मली आ चुका है। और राइट हैंड साइड पीडीएफ डॉक्यूमेंट में अगर आप देखते हो तो यू विल सी दैट ये जो डॉक्यूमेंट है या जो आपका टेक्स्ट है वो दो कॉलम में आपका अरेंज हो जाएगा। इसमें नोट करने वाली एक बात है कि अगर आप देखते हो यहाँ पे, तो मैं नीचे अगर आता हूँ तो ये दोनों का जो हाइट है, कॉलम का हाइट, ये दोनों का कॉलम हाइट मेरे पास सेम है। मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। तो देखिए दोनों इसका कॉलम साइज जो है या कॉलम का हाइट जो है वो इक्वल है। तो सच अ टाइप ऑफ कॉलम्स इट इज कॉल्ड एज अ बैलेंस्ड कॉलम्स, इसको बोलते हैं बैलेंस्ड कॉलम्स, ठीक है। दोनों कॉलम का हाइट आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर मैं यहाँ पे टू के बदले अगर मैं थ्री कर देता हूँ, फिर से मैं जूम कर देता हूँ, बिगिन मल्टीकॉल्स यहाँ पे टू की जगह अगर मैं यहाँ पे थ्री कर देता हूँ और फिर से इसको अगर मैं रन कर देता हूँ, तो ये तीन इक्वल हाइट के कॉलम क्या हो जाएंगे, यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। देखिए पहले टू कॉलम्स था, अभी थ्री कॉलम्स डॉक्यूमेंट बन गया हमारे पास, और तीनों की हाइट लगभग हमारे पास सेम, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीपल कॉलम में आप आपका टेक्स्ट अरेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फिर से टू कर देता हूँ क्योंकि मुझे कुछ और चीज़ें आप लोगों को बतानी है, ठीक है। टू करके मैं इसको रन कर देता हूँ। तो आप चार कर सकते हैं, पांच कर सकते हैं, आप जितना भी ज़्यादा कॉलम बनाना चाहते हैं उतने कॉलम्स आप कर सकते हैं। तो टू करने के बाद देखिए फिर से मेरे पास डॉक्यूमेंट टू कॉलम फॉर्मेट में अरेंज हो गया है। अभी अगर आप इस आउटपुट पीडीएफ डॉक्यूमेंट में अगर आप देखते हो तो ये दो कॉलम के बीच का स्पेसिंग मुझे बहुत कम दिख रहा है, ये अच्छा नहीं दिखता है। थोड़ा सा आपके दोनों कॉलम्स थोड़े से डिस्टिंक्टिव दिखना चाहिए, थोड़ा सेपरेट सेपरेट दिखना चाहिए। तो ये जो कॉलम सेपरेशन का जो स्पेसिंग है, ये कॉलम सेपरेशन स्पेसिंग मैं चेंज कर सकता हूँ। उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, मुझे प्रीएम्बल में लेंथ सेट करना पड़ेगा। तो लेंथ सेट करना इसलिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा सेट लेंथ, ठीक है। सेट लेंथ कर्ली ब्रैकेट्स में, पहले कर्ली ब्रैकेट्स में हम लिखेंगे कॉलम, ठीक है, कॉलम, क्योंकि कॉलम के बीच का सेपरेशन चाहिए। कॉलम सेप कर दूंगा मैं, राइट, कॉलम सेप, ये कमांड दे देता हूं। और दूसरे कर्ली ब्रेसेस में, और एक कर्ली ब्रेस में यहां पे टाइप कर लेता हूं, और इस कर्ली ब्रेसेस में मुझे सेपरेशन कितना चाहिए, कॉलम के बीच का सेपरेशन कितना चाहिए, उसका हिसाब से मैं यहां पे यूनिट दे दूंगा। यूनिट आप एमएम में दे सकते हो, सेंटीमीटर्स में दे सकते हो, मीटर्स में दे सकते हो। मीटर्स में तो देंगे नहीं क्योंकि आपका जो A4 साइज का पेपर रहता है वो छोटा रहता है, तो जनरली मैं सेंटीमीटर में यूज़ करता हूँ। तो फॉर एग्जांपल ये दोनों कॉलम के बीच में मुझे 1 सेंटीमीटर का स्पेसिंग अगर देना है तो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर दूंगा 1 सेंटीमीटर। कौन सा कमांड दिया देखिए, मैंने फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, / सेट लेंथ, लेंथ सेट करना है मुझे इसके बीच में, कॉलम के बीच में। तो यहाँ पे कमांड है तो यहाँ पे / देना जरूरी है, तो / कॉलम सेप यानी कॉलम सेपरेशन, ठीक है। और दूसरे कर्ली ब्रेसेस में क्या दिया है मैंने, जितना भी आपको स्पेसिंग चाहिए दो कॉलम के बीच में वो आपको यहाँ पे देना है। पहले एक बार देख लीजिए कितना स्पेसिंग है, और वो कमांड रन करने के बाद कितना स्पेसिंग रहेगा, ये दोनों में हम डिफरेंस देख सकते हैं। तो चलिए मैं ये डॉक्यूमेंट आपको रन करके बताता हूँ। जब मैं इसको रन कर देता हूँ, प्रोसेस फिर से नॉर्मली एक्साइटेड हो चुकी है। और यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यू विल सी दैट ये दोनों कॉलम के बीच में अभी स्पेसिंग हमारी क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। इसको मैं फिर से 1 की जगह अगर मैं यहाँ पे 2 अगर कर देता हूँ, 2 सेंटीमीटर, और फिर से मैं इसको रन कर देता हूँ, तो यू विल सी दैट कि ये जो हमारे पास डॉक्यूमेंट रहेगा इसके बीच का स्पेसिंग क्या हो जाएगा, आपका बढ़ते जाएगा। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको ये जो कॉलम सेपरेशन जो है वो आपको क्या करना है, सेट करना है, राइट।
मैं इसको फिर से 1 सेंटीमीटर पे कर देता हूँ और इसको फिर से मैं रन कर देता हूँ। नाउ फिर से मेरी रिक्वायरमेंट ये हो सकती है कि इन दोनों कॉलम के बीच में अगर मुझे एक वर्टिकल लाइन अगर चाहिए, ये दोनों कॉलम के बीच में अगर मुझे वर्टिकल लाइन चाहिए यानी डिस्टिंग्विश करने के लिए दोनों कॉलम में, अगर मैं एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे रखना अगर चाहता हूँ तो वो वर्टिकल लाइन भी हम रख सकते हैं। तो वो वर्टिकल लाइन रखने के लिए फिर से आपको क्या करना है, आपको प्रीएम्बल में आना है, ठीक है। फिर से क्या कर देता हूँ मैं यहाँ पे सेट लेंथ ये कमांड देता हूँ, कर्ली ब्रेसेस में फिर से कॉलम शेप रूल कर देता हूँ, कॉलम सेपरेशन के लिए कॉलम सेप है, मुझे एक रूलर चाहिए बीच में, ठीक है, एक वर्टिकल लाइन चाहिए, उसके लिए मैं एडिशनल कमांड है दैट इज कॉलम सेप रूल। और दूसरे इसमें उसका थिकनेस कितना चाहिए, 1 पॉइंट का चाहिए या 2 पॉइंट का चाहिए या 3 पॉइंट का चाहिए, 4 पॉइंट का चाहिए, आप कितना भी रख सकते हैं। मैं पहले 1 पॉइंट का रख के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। इसमें आपको सेंटीमीटर में नहीं देना है, इसमें आपको पॉइंट में देना है, ये चीज़ें ध्यान रखो, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट लाइक दिस। अभी इसको अगर मैं रन कर देता हूँ और आउटपुट पीडीएफ डॉक्यूमेंट को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दोनों कॉलम के बीच में एक वर्टिकल सेपरेशन लाइन आ चुकी है, ठीक है। इस लाइन का विड्थ मैंने 1 पॉइंट रखा था, इसको अगर मैं 2 पॉइंट अगर आपको करके फिर से रन करके देखता हूँ तो आप देखोगे कि इस लाइन का सेपरेशन जो है, ये जो रूल है, जो लाइन है, उसका थिकनेस आपका बढ़ चुका है। फिर से आप ये थिकनेस बढ़ा सकते हैं 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट, जितना भी आप चाहते हो, आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ये इस रूल का, सेपरेशन रूल का आप थिकनेस क्या कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो। तो इस तरह से हम इस 2 कॉलम डॉक्यूमेंट या 3 कॉलम, 3 कॉलम का अगर रहेगा तो 2 कॉलम के बीच में 2 वर्टिकल रूलर्स आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको 2 कॉलम डॉक्यूमेंट या मल्टी कॉलम डॉक्यूमेंट आपको यूज करना है, ठीक है। फिर से यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूँ, कभी कभी क्या होता है कि हमारा पास ये जो आउटपुट पीडीएफ डॉक्यूमेंट है जो 2 कॉलम के फॉर्मेट में है, इसके ऊपर मुझे एक सिंगल कॉलम का कुछ टेक्स्ट अगर चाहिए, हो सकता है ये रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये दोनों कॉलम के ऊपर मुझे एक पैराग्राफ चाहिए जो दोनों कॉलम के ऊपर स्पैन करे, ठीक है। तो ऐसी रिक्वायरमेंट अगर है तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए फिर से मैं यहाँ पे कॉलम कॉल्स एनवायरमेंट में आ जाता हूँ और यहाँ पे कॉल्स एनवायरमेंट के जस्ट नीचे अगर स्क्वायर ब्रैकेट में अगर मैं कोई भी टेक्स्ट अगर ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, सपोज रैंडम टेक्स्ट, फिर से मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, सपोज ये मैं कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी करके, यहाँ पे अगर इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में अगर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, और फिर से मैं इस डॉक्यूमेंट को अगर मैं रन कर देता हूँ, बिल्ड एंड व्यू कर देते हैं, तो बिल्ड एंड व्यू करने के बाद आउटपुट पीडीएफ डॉक्यूमेंट में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो भी टेक्स्ट मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में दिया था, इस मल्टी कॉल्स एनवायरमेंट में जो भी टेक्स्ट मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में दिया था, वो आपका टेक्स्ट जो है वो पूरे के पूरे सिंगल कॉलम में आ जाएगा, यानी वो स्पैन करेगा दोनों कॉलम के ऊपर। तो इस तरह से बहुत बार रिक्वायरमेंट रहती है टेक्स्ट बुक में या जर्नल पेपर्स में, तो उस समय आप इस कमांड का, स्क्वायर ब्रैकेट का आप यूज कर सकते हैं। ये हो गया आपका बैलेंस्ड कॉलम्स, ठीक है। दोनों कॉलम का हाइट अगर आप देखते हो तो दोनों कॉलम का हाइट हमारे पास सेम है, लेकिन अगर मुझे अनबैलेंस्ड कॉलम्स अगर चाहिए, अनबैलेंस्ड कॉलम किसको बोलेंगे, अगर पहले कॉलम का टेक्स्ट जब तक मेरे पास पूरा नीचे तक नहीं आता है तब तक सेकंड कॉलम मेरा चालू नहीं होना चाहिए, ऐसे अगर रिक्वायरमेंट अगर मुझे है जिसमें आपके कॉलम के हाइट जो है वो अनइक्वल आने के चांसेस रहेंगे, ऐसे कॉलम का मुझे अगर रिक्वायरमेंट है तो सिंपली क्या कर देना है कि इस मल्टी कॉल एनवायरमेंट में बिगिन मल्टी कॉल्स के ऊपर, कॉल्स मल्टी कॉल्स के ऊपर एक एस्ट्रिक मार्क आपको दे देना है और इस एस्ट्रिक मार्क को बिगिन और एंड में जो मल्टी कॉल्स लिखा हुआ है दोनों के ऊपर आपको एस्ट्रिक देना है, ध्यान में रखना है। एक के ऊपर एस्ट्रिक देके अगर दूसरे को अगर आप छोड़ देते हो तो एरर आएगा, लेकिन दोनों के ऊपर आपको एस्ट्रिक देना है। जब भी कोई भी एनवायरमेंट हम यूज करते हैं
दोनों एनवायरनमेंट के बीच का जो टेक्स्ट है वो आपका सेम रहना चाहिए। तो ये मल्टी कॉल्स के ऊपर एस्ट्रिक देने के बाद मैं इसको फिर से बिल्ड अगर हम करता हूँ तो आपको दिखेगा कि ये जो दोनों कॉलम है ऊपर का साइड तो ठीक है, लेकिन नीचे अगर आप आते हो तो देखोगे कि पहला यहाँ पे मेरे पास एड हो चुका है कॉलम, और ये कॉलम एड होने के बाद ही सेकंड कॉलम चालू हो चुका है, और ये आपका यहाँ पे खत्म हो चुका है, और दोनों कॉलम का हाइट जो है वो तो दोनों कॉलम का हाइट क्या है मेरे पास अनइक्वल है। तो इस तरह से आप अनबैलेंस्ड कॉलम्स का टेक्स्ट भी आप फॉर्मेट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस मल्टी कॉल्स एनवायरनमेंट। फिर से एक रिक्वायरमेंट रहती है कि जनरली जो सेपरेशन रूल मैंने यहाँ पे दिखा दिया है, ठीक है, ये सेपरेशन रूल आप इसको कलर वगैरह कर सकते हैं, लेकिन वो आपका एडवांस लेटेक्स ट्यूटोरियल का पार्ट है, तो मैं आपको ये जो कोर्स की फीस है इसी में करा के दूंगा। लेकिन जब हम कलर के साथ खेलेंगे उस समय मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, और ये जो सेपरेशन रूल है इसका कलर भी किस तरह से आपको चेंज करना है ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, मल्टी कॉलम डॉक्यूमेंट आपको किस तरह से क्रिएट करना है ये आप लोगों को पता चल ही गया होगा। फिर से एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, मल्टी कॉल्स के बाद जो भी आप डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट लिखोगे, ठीक है, वो आपका फिर से सिंगल कॉलम में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टी कॉल क्या कि हमने एंड किया है। चलो ट्राई करके देखते हैं, एक पैराग्राफ में फिर से यहाँ से ले लेता हूँ, इसको कॉपी कर देता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं पेस्ट अगर कर देता हूँ और इसको अगर मैं रन कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि जो मल्टी कॉल्स एनवायरनमेंट के बीच में टेक्स्ट है वही दो कॉलम्स में आएंगे, और बाकी का जो टेक्स्ट है वो आपका सिंगल कॉलम में आ जाएगा। फिर से अगर आप देखते हो तो ये फिर से हमारे पास सिंगल कॉलम में आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे एस्ट्रिक अगर निकाल लेता हूँ, इसको मैंने एस्ट्रिक अगर रिमूव कर दिया है, ठीक है, फिर से एक बार अगर मैं रन कर देता हूँ तो आपका थोड़ा सा बैलेंस्ड कॉलम्स आ जाएंगे, और ये टेक्स्ट ये बैलेंस्ड कॉलम्स यहाँ पे हमारे पास खत्म हो जाएंगे, और ये टेक्स्ट फिर से सिंगल कॉलम में यहाँ पे आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा ऐसे आशा है। प्रैक्टिस करते हो तो सभी पॉसिबल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है लेटेक्स में। और लेटेक्स इस तरह से यूज करना है कि आपका पीडीएफ डॉक्यूमेंट जो मिलेगा वो आपका बहुत ही सुंदर क्वालिटी का आएगा। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कितना भी सर पटक लीजिए, कितनी भी कोशिश कर लीजिए, जो आपकी प्रिंटिंग क्वालिटी या जो डॉक्यूमेंट क्वालिटी है वो आपकी किताब के समय नहीं आएगा। दैट इज़ ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ लेटेक्स। और लेटेक्स के बहुत सारे फायदे हैं जो कि आगे हम वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे, और उसका रिलेटेड वीडियोस भी हम देखते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, बाय बाय फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।